जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करने से पहले हम कहते हैं, हमेशा की तरह दो तीन क्लास से कहते आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि भविष्य में आने वाला इन्फॉर्मेशन उसी में हम डालने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पर। और हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी, जैसे कि हम YouTube पे अगर नहीं मिले तो एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाकर चेक जरूर कर लेना कि आखिर हम है कहाँ, कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कंडीशनल वाला सेंटेंस है, सॉरी कंडीशनल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि यदि tan अल्फा बराबर बी बटा ए, तो साबित करें कि साबित आखिर करना क्या, साबित करें कि a cos 2 अल्फा प्लस b sin 2 अल्फा इज इक्वल टू a, इतना प्रूफ करना। देखो जितना साबित करना, जो साबित करना है वहाँ से उठाते हैं, जैसे जो भी प्रूफ करना है वही नहीं उठाएंगे, ये तो दिए हुए, इसका तो हम इस्तेमाल करेंगे, चलो भाई दिया हुआ तो इस्तेमाल करना ही, लेकिन a, और जब tan अल्फ़ा के इस्तेमाल करना है तो cos 2 अल्फ़ा के फॉर्मूला बदलो और tan में ही बदलो, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी है तो बी रहने दो, और साइन 2 अल्फ़ा के फॉर्मूला तो 2 tan अल्फ़ा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब ए है तो ए को यही रहने दीजिए और 1 को 1 लिखो, माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा तो tan स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे ई वाला रखो, तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बटा 1 प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, प्लस में बी जैसे दिखाई दे रहा है बी रहने देते हैं, 2 है तो 2 सही है, tan अल्फ़ा मतलब बी बटा ए, फिर बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर तो बी स्क्वायर अब बटा में ए स्क्वायर, इस जगह बाहर ए है तो ए रहने दिए, एलसीएम ले लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर गुना हो जाएगा, जो एलसीएम लिए उसको लिख नहीं रहे, क्यों, यहाँ से कटेगा इसलिए डायरेक्ट काटिए दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में बी है तो बी रहने देते हैं, 2 बी के बी और बटा में जो ए सोच रहे हैं ना वो कट गया, क्यों कि यहाँ गुना करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर था, लेकिन ए स्क्वायर में सिर्फ ए बचेगा, क्यों सिर्फ ए काहे बचा, ए से ए कट गया, ए को कट गया तो ए को ए बचेगा, ए को बच गया, अब ए को जो बच गया इसको ऊपर भेज देंगे बाद में, फिलहाल ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़, इसको ऊपर भेजो तो हो जाएगा 2 ए, अब बी और बी दो बार मिल रहा है तो 2 ए बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब कहेंगे एलसीएम ले लो क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के एलसीएम हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जस के तस, इसीलिए हम चाहें कि इन दोनों को लिखना, तो एलसीएम तो जस के तस है, तो काम करो पहले ए कॉमन ले लो, ए अगर कॉमन लेते भी हैं तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, इस जगह से ए निकाल लिए थे फिर भी प्लस में 2 बी स्क्वायर बच गया, जितना बच गया उसी को लिखना है क्योंकि ए है ए स्क्वायर और 2 बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घट गया तो सिर्फ बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल तो सिर्फ बचा है ए, सिर्फ ए ही रह गया और हमको साबित भी तो यही करना था, प्रूफ यही करना था कि सिर्फ ए आएगा, तो हाँ हो गया इतना बराबर ए।
बरसाते ही कंडीशंस वाला है जो साबित करना होता उसको तो खैर लिखेंगे ही, लेकिन टाइन अल्फा ये सब के मान दे ले था, तो जहाँ से दे ले था हम उसका मान इस्तेमाल किए, क्योंकि कंडीशनल में ऐसे ही बनाना है, जो भी क्वेश्चन कंडीशन पे आधारित होता है, शर्त पे आधारित होता है। तीस के बाद 31 नंबर क्वेश्चन। इकतीस नंबर देखो, इकतीस क्या, इकतीस में भी कुछ वैसा ही है कि यदि टैन स्क्वायर थीटा, यदि टैन स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टू टैन स्क्वायर फाइव, इतना दिए हुए है तो साबित करना है, प्रूव दैट, साबित करना है कॉस टू फाइव इज इक्वल टू वन प्लस टू कॉस टू थीटा। इस बार आर एच एस में थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है टर्म, तो जिधर ज़्यादा टर्म है हम उधर से ही बनाना शुरू करेंगे, मतलब आर एच एस की तरफ से। इस बार स्टार्टिंग करेंगे आर एच एस से, आर एच एस थोड़ा बड़ा टर्म नज़र आ रहा है। एल एच एस भी ठीक है, एल एच एस टू फाइव छोटा लग रहा है, उधर ही बड़ा लग रहा है, वन प्लस टू कॉस टू थीटा, फिर बड़ा टर्म था, वन को वन ही रहने दिए, दो को दो ही रहने दिए, और कॉस टू थीटा के फॉर्मूला जो होता है वो लगा देते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन को वन ही रहने दो, दो छोड़ दो, बाकी इधर जो भी लगे, जैसे वन है तो वन सही, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से समझना है टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे वन लेकिन माइनस में, और माइनस में ही टू टेन स्क्वायर फाइव बटा नीचे वन के वन और प्लस टेन थीटा की जगह, मतलब टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे ही वाला, तो वन प्लस टू टेन स्क्वायर फाइव, वन को वन छोड़ दो, प्लस टू है तो टू रहने दो, इधर देखते हैं वन से वन कैंसिल, तो बच गया माइनस में टू टेन स्क्वायर फाइव बटा वन यहाँ टू, और प्लस में टू टेन स्क्वायर फाइव वन, और प्लस ऐसे तो प्लस होना नहीं चाहिए लेकिन लिख दिए तो लिख दिए, यहाँ माइनस टू टेन स्क्वायर फाइव बटा, यहाँ और वहाँ दोनों से अगर दो कॉमन ले लेते हो तो बचेगा वन प्लस में टेन स्क्वायर फाइव, दो से दो कैंसिल, बाकी जो बचल है उसका एलसीएम ले लो, जैसे वन प्लस में टेन स्क्वायर फाइव, ये वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव को इधर गुना कर दो एक में, तो वन प्लस में टेन स्क्वायर फाइव, फिर दो अंदर भेजो, टू कट गया था लेकिन ये दो अंदर भेजो, तो माइनस में टू और टेन स्क्वायर फाइव, वन रह देंगे टेन स्क्वायर फाइव में से, टू टेन स्क्वायर फाइव अगर घट भी गया तो माइनस में टेन स्क्वायर फाइव बटा वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव, हालांकि वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव या बटा में वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव, इसका तो डायरेक्ट अगर सोचे तो फॉर्मूला होता है कॉस टू फाइव, कॉस टू फाइव, और लाना यही तो था, आर एच एस लेके चल रहे थे ना, एल एच एस यही तो आया था, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड, समझा ब्रो, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 31, 32 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा न्यून कोण है, ये खुद कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा न्यून कोण है, यदि अल्फा और बीटा न्यून कोण है तथा कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 कॉस 2 बीटा माइनस 1 बटा 3 माइनस कॉस 2 बीटा, तो साबित करें कि क्या साबित करना है, वही जर ध्यान रहे कि साबित आखिर करना क्या है। साबित करना है टैन अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू टैन बीटा, इतना प्रूफ करना, इतना साबित करना है। देखो जो दिए हुए उसी के इस्तेमाल करते हैं, जो भी दिया हुआ है गिवन, यहाँ तो एल एच एस आर एच एस भी नहीं लिख सकते हैं, गिवन क्वांटिटी है कॉस 2 अल्फा, तो लिख देते हैं कि कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 कॉस 2 बीटा माइनस 1 और बटा में 3 माइनस कॉस 2 बीटा, इतना लिख दिए। दोनों तरफ से लेके चलते हैं, सिर्फ एल एच एस या सिर्फ आर एच एस से नहीं चलेगा, दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ ही अल्फ़ा और बीटा चाहिए। 2 अल्फ़ा को हटाना है, 2 बीटा को भी हटाना है, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा सिर्फ लाना है। तो कॉस 2 अल्फ़ा के फॉर्मूला, वो भी टैन के, सबको सब टैन के टर्म में बतलाएगा, तो एक फॉर्मूला हो गया 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बटा में 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बटा में 3 है तो 3 रहने दो, कॉस 2 बीटा के फॉर्मूला 1 माइनस टैन स्क्वायर बीटा बटा में 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा, इसको ब्रैकेट में घेर के लिख लीजिए, माइनस में 1 बटा 3 रहने देते हैं माइनस में, कॉस 2 बीटा के फॉर्मूला तो 1 माइनस टैन स्क्वायर बीटा बटा में 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा, इधर जैसे दिखाई दे रहा है कि 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा है अब बटा में 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा है, इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, इस तरफ भले ही ध्यान देना है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा है बटा में, तो नीचे भी तो वही बात मिलेगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा उसको काटना है, यानी यहाँ हम 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा के एलसीएम लेंगे लेकिन लिख नहीं रहे, सिर्फ 3 गुना कर दिए, माइनस 3 में टैन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा को यहाँ गुना कर दो, तो ये हो गया माइनस 1 और माइनस में ही हो जाएगा टैन स्क्वायर बीटा। जो एलसीएम लिए उसको नहीं लिख रहे हैं, उसका कारण ये है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा यहाँ कट जाएगा, इसको गुना करो तो 3 और प्लस में यही चीज़ गुना करो तो 3 टैन स्क्वायर बीटा, माइनस को अंदर भेजो तो माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा टैन स्क्वायर बीटा, टैन स्क्वायर बीटा, कुछ कटे तो काटेंगे, नहीं कटे तो जोड़ेंगे, लेकिन कुछ तो ज़रूर हम करेंगे, 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा अब बटा में 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा, इधर देखना 3 में से 1 घट गया तो 2 और माइनस में 4 टैन स्क्वायर बीटा बटा 3 में से 1 घट गया तो 2, 3 और 1 जोड़ के हो गया 4 टैन स्क्वायर बीटा, ये 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा अब बटा में 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ समझो 2 और 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी 2 और 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया 1 माइनस में 2 टैन स्क्वायर बीटा अब बटा, 2 कॉमन लिए थे तो 1 प्लस टैन सॉरी 2 टैन स्क्वायर बीटा, अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना मतलब 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा इसमें गुना कर दो, इससे 1 प्लस
टू टेन स्क्वायर बीटा से, और इधर जो देख रहे हैं वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको भी गुना कर दो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा से, उधर गुना कर दो वन माइनस टू टेन स्क्वायर बीटा में, गुना कीजिए, गुना तो आता ही है, उसमें से बहुत सारा टर्म ऐसा होगा जो कटेगा, तो जो कटेगा उसको काटेंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे। पहले एक से गुना, दोनों में तो एक से गुना किए तो वन हो गया और प्लस में टू टेन स्क्वायर बीटा, फिर टेन स्क्वायर अल्फा से गुना करेंगे तो माइनस में टेन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर यही चीज़ यहाँ गुना होगा तो माइनस में टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा और इंटू टेन स्क्वायर बीटा, इस तरफ एक को गुना कर दो तो एक हो गया माइनस में टू टेन स्क्वायर बीटा, फिर टेन स्क्वायर अल्फ़ा गुना कर दो एक में, तो एक में जैसे ही गुना करेंगे टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर ही टेन अल्फ़ा इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस में टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा और फिर टेन स्क्वायर बीटा। अब देखो जो टर्म इधर दिखाई दे रहा है माइनस में, वही वाला सेम चीज़ बा यहाँ पे, तो ये दोनों कैंसिल क्योंकि माइनस माइनस में है, बराबर है ना, तो इसे भी तरह के पलसे में हो जाता तो काट दिए, और कुछ कटेगा तो आपको समझना है, जैसे कि एक प्लस में कट गया, बाकी क्या बचा, तो टू टेन बीटा माइनस में है और यहाँ टेन बीटा प्लस में, इसलिए हम काट नहीं सकते, टेन अल्फा इधर माइनस में और उधर प्लस में, इसलिए काट नहीं सकते। बहुत हम करेंगे तो हम ये कहेंगे कि टेन स्क्वायर अल्फ़ा उधर चले जाओ, तो दू गो हो गया टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और ज़्यादा कहेंगे तो टू टेन स्क्वायर बीटा इधर आ जाओ, दो गो पहले से था वो आ गया तो चार गो हो जाएगा टेन स्क्वायर बीटा। अब देखो दो से और ये कट गया, दो दो नहीं चार, तो इधर लिखते हैं यहाँ पे टू टेन स्क्वायर बीटा, लिख दिया जाएगा कि टू टेन स्क्वायर बीटा बराबर में इधर से टेन स्क्वायर अल्फ़ा, हालांकि स्क्वायर जैसा तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना था, यही साबित करना था, स्क्वायर तो है नहीं कहीं, तो वहाँ से स्क्वायर हटाओ टेन अल्फ़ा, वहाँ से स्क्वायर हटाओ तो स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, रूट अंडर टू और टेन स्क्वायर बीटा, तो पता चला कि टेन अल्फ़ा रूट दो हो जाएगा, और रूट से स्क्वायर कैंसिल, इसलिए सिर्फ जो बचेगा वो होगा टेन बीटा। प्रूफ यही करना था, टेन अल्फ़ा बराबर रूट टू गुने टेन बीटा, इतना ही लाना था, साबित हुआ। बत्तीस नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 33, देखिए 33 थोड़ा अगर 30 बताएं 31 बताएं और ये 32, तीन क्वेश्चन हो गया है, हाँ तो 33 को बता के हम कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में आपको डालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन एक्सरसाइजें ख़त्म होने वाला है, अब एक्सरसाइज 6.3 ख़त्म हो रहा है, और जब भी एक्सरसाइज ख़त्म होता है ना तो बहुत ही टेंशन देता है हमको, नहीं आपको, जब भी कोई एक्सरसाइज ख़त्म होगा तो उसमें लास्ट हिसाब जो मिलेगा, इस किताब की खासियत है कि जब एक्सरसाइज ख़त्म होने लगता है तो जो हिसाब मिलता है वो दिमाग परेशान कर देता है, एकदम झनझना देता है, कहते हैं ना हिला देगा दिमाग एकदम, तो अब जो ख़त्म होगा एक्सरसाइज उसमें क्वेश्चन अजीब अजीब से मिलेगा, तो अस्थिर से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम भागल नहीं जा रहे हैं, आपका एग्ज़ाम दो दिन के बाद नहीं है, और अगर एग्ज़ाम है भी तो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में ये सब चीज़ आता नहीं है, हाँ ये अलग बात है कि इसके बिना आप ट्वेल्थ का मैथ समझ भी नहीं सकते, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आ रहा है आप बाद में भी पढ़ लोगे, एक दो दिन बाद तीन दिन बाद कोई नुकसान नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।